संगठनों और वोटर द्वारा राज्यसभा भारत कल काफी चौक से यह एक कार्यक्रम हो रही है। एनआरसी और सीएए के ट्रेन में यह शुरू निकाला गया है। बहुत अच्छा चल रहे हैं आप, किसी को तकलीफ न दे, बिल्कुल दो लाइन लगा के इसी तरह आप करते रहे अपने मंजिल तक। बहुत अच्छा चल रहे हैं आप, हम अपने माँ बहनों का बहुत शुक्रगुजार हैं कि किसी को कोई तकलीफ। नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध पूरे भारत में चल रहा है और इसी की कड़ी हम रांची में भी देख सकते हैं। रांची में अभी कडरू हज हाउस के पास शाहीन बाग की तर्ज पर अनिश्चितकालीन धरना पर महिलाएं बैठी हुई है और दूसरी तरफ कांके में एक शांति मार्च निकाला गया है जो आप देख सकते हैं। इस शांति मार्च में पूरी तरह से महिलाओं का मिली हुई है। अब जितने काके इलाके की जितनी महिलाएं हैं इस अधिनियम का विरोध कर रही है और विरोध का जो तरीका है आप देख सकते हैं कि ये विरोध जो है शांति मार्च के शक्ल में यह विरोध किया जा रहा है जो कांके चौक से चलकर कांके के ब्लॉक चौक तक यह शांति मार्च जाएगा। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं क्या विरोध है, थोड़ा सा बताएं। हम लोग सीएए का विरोध के लिए यहाँ पर आए हैं जो केंद्रीय सरकार की तरफ से ये जो कानून लाया गया ये काला कानून है और हम सभी इसका पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि ये हमारे देश की एकता अखंडता को तोड़ने का कानून है, हमारी भाईचारगी को मिटाने का कानून है। ये देश हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हम सभी इसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस कानून को वापस ले। तो आप देख सकते हैं कि ये विरोध मार्च का शक्ल लिए हुए या मार्च जा रहा है जो कांके चौक से होते हुए कांके ब्लॉक तक जाएगा और ये नागरिक संशोधन अधिनियम का पूरी तरह से विरोध किया जा रहा है। अब देखना ये है कि इस विरोध का असर केंद्र सरकार में कितना पड़ता है। कशिश के लिए रांची से नैयर।